Good evening everyone, my name is Rohit Singh, I am your SST teacher and I have started a revision series for class 10th CBSE examination and also today I am going to complete the remaining part of the chapter Power Sharing Civics, chapter 1, class 10. चलो देखते हैं आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं why power sharing is desirable. तो सबसे पहले हमको ये समझने की आवश्यकता है कि desirable का मतलब क्या होता है. श्रीलंका की कहानी देखी और हम लोगों ने बेल्जियम का कहानी देखा और अब तुम्हारा बुक ये पूछ रहा है तुमसे कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, डिजायरेबल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट क्यों है, या पावर को शेयर करना क्यों आवश्यक है, पावर को शेयर करना जरूरी क्यों है, यही पूछ रहा है तुम्हारा टॉपिक. विक्रम बेताल की तुम लोग कहानी सुने होगे तो उसमें तुम लोगों को पता होगा कि विक्रम को बेताल जो है बहुत सारी कहानियां सुनाता था और लास्ट में क्वेश्चन पूछता था. तो ठीक ऐसे ही तुम्हारा बुक किया है, पहले कहानी बताया है तुमको बेल्जियम का और श्रीलंका का और अब तुमसे पूछ रहा है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, कहानी का निष्कर्ष. तो ध्यान से इसको देखना, इसको हम लोग सीखेंगे और तुम लोगों को पता भी है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि श्रीलंका ने पावर को शेयर नहीं किया था और वहां पे सिविल वॉर हो गया था, हजारों लोग मारे गए, बहुत सारे लोग रिफ्यूजी बन गए, बहुत सारी हम लोगों ने चीजें पढ़ी. और बेल्जियम ने पावर को शेयर किया तो कितनी सुख शांति थी, वहां पे जितनी भी कम्युनिटीज थी वो अच्छे तरीके से प्रेम से भाईचारे से एक दूसरे के साथ रहने लगे. तो इतना तो तुम लोगों को पता चल गया है कि पावर को शेयर करना जरूरी है, लेकिन अब पढ़ेंगे क्यों जरूरी है. चलो ध्यान से देखो, पहला रीजन है प्रूडेंशियल और दूसरा है मोरल. पहले इसका अर्थ समझेंगे हम लोग. प्रूडेंशियल का हिंदी में मतलब होता है बुद्धिमानी भरा और मोरल का मतलब होता है नैतिकता. बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी से सभी को रहना चाहिए. लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सिखाया तो जाता है सभी को, लेकिन आगे जब लोग बड़े होते हैं तो 100 में से 80-90 बेईमान निकल जाते हैं. ठीक यही कहानी है यहाँ पे. क्या श्रीलंका को नहीं पता था मोरल रीजन कि डेमोक्रेसी में पावर को शेयर करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग को स्पिरिट माना जाता है. पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये मोरल रीजन है. ऐसा सारी डेमोक्रेटिक कंट्रियां दुनिया की जानती हैं कि पावर को शेयर करेंगे तभी हम शांति से रह सकते हैं, सबको पता होता है. लेकिन क्या श्रीलंका ने उसको फॉलो किया? नहीं किया, जिसके चलते श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया, हम लोगों ने यह भी देखा. जबकि प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है कि हम उस जो भी चीज सीखे हैं उसको कितने एफिशिएंटली हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं. एग्जाम्पल, जैसे मान लो एज अ टीचर हमारा ये फर्ज है, मोरल कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेवारी है कि तुम लोगों को अच्छे से हम पढ़ाएं, यानी हम अपना 100% तुम लोगों को दें. लेकिन क्या हम सच में तुम लोगों को अपना 100% दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हम उस तरीके को कैसे अपने लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? प्रूडेंशियल. बस यही है डिफरेंस मोरल और प्रूडेंशियल में. मोरल तुमको सिखाता है, लेकिन उस पर चलने का जो काम है वो कौन सा रीजन सिखाता है? प्रूडेंशियल रीजन सिखाता है. तो मोरल रीजन ये कहता है कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, या कह सकते हैं कि बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. यानी डेमोक्रेसी है तो पावर को शेयर करना बहुत जरूरी है. इसलिए भी जरूरी है क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुत सारे कल्चर्स के लोग रहते हैं, रिलीजन के लोग रहते हैं, कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग रहन सहन खान पान सब कुछ अलग अलग होता है. और सभी का ख्याल रखना जरूरी है, और तभी सभी का हम ख्याल रख सकते हैं जब सबके बीच में हम पावर को शेयर करेंगे, ये ध्यान रखना. तो प्रूडेंशियल रीजन को चलिए देखते हैं ये क्या कहता है कि अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई झगड़े का जो चांस है वो रिड्यूस होगा और देश में आएगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. यही ध्यान में तुम लोगों को रखना है कि जब हम पावर को शेयर करेंगे बेल्जियम जैसा, तो बेल्जियम में जैसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा हुआ, ऐसे ही लड़ाई झगड़े होंगे नहीं. कब नहीं होंगे? जब हम पावर को शेयर करेंगे सबके बीच में. और जब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो देश में सब लोग सुख शांति चैन से रहेंगे, देश में इकोनॉमिक उन्नति होगी, लोग आगे बढ़ेंगे, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे. लेकिन अगर हम पावर को शेयर नहीं करेंगे तो फिर श्रीलंका के जैसा क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा. सीधा कहानी से ही ये निकल के आया पॉइंट है ना कि पावर को शेयर करेंगे तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो देश में क्या आएगी? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. यही है प्रूडेंशियल रीजन. और मोरल रीजन में एक और चीज कि देश में अलग अलग सोशल डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, और हमको पता है कि डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के पास पावर होता है, क्योंकि लोग इलेक्ट करते हैं अपने लीडर को, और लीडर को भी चाहिए कि वो लोगों से पूछे कि उनको कैसे गवर्न किया जाए. यानी जब देश का नेता या देश का मुखिया लोगों से पूछ करके शासन करेगा कि आप क्या चाहते हैं,
अगर लोगों के साथ पावर को शेयर करेगा, करना चाहिए क्योंकि ये मोरल रीजन है, करेगा तो जनता पूरे देश में खुशी होगी, सब लोग शांति से प्रेम से भाईचारे से रहेंगे, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो हम लोगों ने पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है ये देख लिया, पावर को शेयर करेंगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो देश में क्या आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और मोरल रीजन में हमने क्या देखा, पावर शेयरिंग इज द बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, अब हम लोग चलेंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो अब हम लोग पढ़ाई करेंगे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म मतलब तुम लोगों को पता है प्रकार, भेद ना, पावर शेयरिंग कितने प्रकार का होता है। लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, यानी अपने देश में पावर को शेयर करने का तरीका क्या क्या है, या ये भी कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट पावर को शेयर कहां कहां करती है ना। चलो देखते हैं, पहला पॉइंट पावर शेयरिंग का फॉर्म में, पहला जो तुम लोगों को याद रखना है वो है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। और ऑर्गन्स यहां लिखा हुआ है, इस पे ध्यान देना, फोकस करना। ऑर्गन का मतलब होता है हिस्सा या अंग, यानी गवर्नमेंट के हिस्से, गवर्नमेंट के अंग। गवर्नमेंट के अंग कौन कौन से हैं भाई, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड ज्यूडिशियरी, ये सरकार के अंग हैं, हिस्से हैं। कैसे समझाते हैं तुम लोगों को, जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स, पढ़े होगे बायोलॉजी में, बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, ये नाक आंख कान मुंह, ये सब क्या है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं। और ऑर्गन्स जो होते हैं ना वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि वो अपने अपने जगह पे रह के अपना अपना काम करते हैं। जैसे हमारा आंख है ना, ये देखने का काम करता है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नाक है ना, नाक से हम सांस लेते हैं या कोई भी स्मेल हमको पता चलता है, कान से हम सुनने का काम करते हैं। तो ये बॉडी ऑर्गन्स है और सारे ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं होता या कम इंपॉर्टेंट वाला या ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला नहीं होता, सारे सबके इंपॉर्टेंस एक जैसे होते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है, सरकार के हिस्से हैं, एक लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा ज्यूडिशियरी। और तुम लोग पढ़ते आ रहे हो क्लास 8, 7, 6, 9 पढ़ते आ रहे हो कि लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, जहां हमारे देश में कानून बनता है। लेजिस्लेटिव मतलब जिस जगह पे कानून बनता है, जैसे पार्लियामेंट, उसको क्या कहा जाता है, लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब जो लोग बने हुए कानून को लागू करवाते हैं पूरे देश भर में, उनको क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव। जैसे डीसी हो गए, देश के प्राइम मिनिस्टर, इनको क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव। तुम लोग नाइन्थ में भी पढ़े हो, पॉलिटिकल होते हैं एग्जीक्यूटिव और परमानेंट होते हैं। ज्यूडिशियरी यानी कि अगर ये दोनों अपना काम अच्छे से न करें या देश में कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, कहने का मतलब यह है कि एक आम जनता से लड़ जाए, है ना, लड़ाइयां भी कई तरह की होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ जाए मतलब फाटा फाटी नहीं, मतलब किसी बात से सहमत ना हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, कुछ लोग उससे सहमत नहीं है, जैसे किसान आंदोलन है ना, गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया लेकिन लोग सहमत नहीं है, तो लोग जब सहमत नहीं होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के लॉ से तो कहां जाते हैं, वो ज्यूडिशियरी के पास, पता है ना। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशियरी, तीनों अपने जगह पे रह करके अपना अपना काम करते हैं, ठीक ना, कोई किसी से बड़ा या छोटा यहां पर नहीं है, इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, देखो ये लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ज्यूडिशियरी, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है इनमें, सब अपने अपने जगह पे रह के अपना अपना काम करते हैं, लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है, ये कानून को लागू करवाता है, और ये चेक एंड बैलेंस, वही लिखना है, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, ये कौन डेवलप करता है, ज्यूडिशियरी, अभी जो तुम लोगों को बताया कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये कौन इंश्योर करता है देश में, ज्यूडिशियल सिस्टम। तो पहला पॉइंट समझा दिया तुम लोगों को, अब चलते हैं, चलो सेकेंड, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यहां पर लेवल है, लेवल हमेशा पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, यानी एक लेवल दूसरे से या तो बड़ा होता है नहीं तो छोटा होता है, तो यहां पर बड़े छोटे वाली बात है यहां पर नहीं थी, है ना, यहां कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं था, सब अपना अपना काम कर रहे थे। लेकिन यहां पे कौन कौन सा लेवल होगा भाई, तो पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा लोकल गवर्नमेंट। और कैसे किसी से बड़ा छोटा है, तो देश में सबसे बड़ी सरकार कौन सी है, सेंट्रल, उससे छोटी स्टेट और सबसे छोटी लोकल, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। हमारे देश में तीन प्रकार की गवर्नमेंट है, तो भाई तुम लोगों को भी दिमाग में सवाल ये उठता होगा कि ये तीन गवर्नमेंट क्यों है, तो चलो आज सुन लो, सीख लो। वैसे मुद्दे
जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, यानी राष्ट्रीय महत्व के, जो बड़े मुद्दे होते हैं, जैसे बैंकिंग, करेंसी, पूरे देश के लिए कोई डिसीजन लेना है, किसी दूसरे देश के साथ रिश्ता सुधारना है, विदेश नीति, ये सब जो मुद्दे होते हैं, जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, उसके लिए कौन सी गवर्नमेंट बनी होती है? सेंट्रल। एज एन इंडियन, हमारा रिलेशन रशियन के साथ बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा? हमारे देश के, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो नहीं जाएंगे ना, कौन जाएंगे? हमारे देश के विदेश मंत्री जाएंगे। जो हमारे देश की आर्मी है, फौज है, इन सबको मैनेज करने की जिम्मेवारी किस गवर्नमेंट को होती है? सेंट्रल। यानी देश में जो बड़े मुद्दे हैं राष्ट्रीय महत्व के, उसके लिए कौन सी गवर्नमेंट काम करती है? सेंट्रल। जो उससे छोटे मुद्दे हैं, जैसे मान लो इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, ये सब मुद्दे थोड़े छोटे हैं, यानी इसको राज्य सरकार भी हैंडल कर सकता है। पुलिस की व्यवस्था कौन गवर्नमेंट करती है? स्टेट। यानी काम को बांटा गया है, पावर को शेयर किया गया है, कुछ काम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया है, उससे लोकल काम है वो किसको दे दिया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को। और एकदम तुम्हारे घर के बगल वाला काम, उसको करने के लिए कौन सा गवर्नमेंट होता है? लोकल। अब गांव में रहते हो, मान लो तुम्हारे घर के बगल का नाली खराब हो गया है, या पूरा गंदगी हो गया है, या चापाकल खराब है, उसके लिए तो तुम मोदी जी के पास नहीं ना जाओगे, किसको बुलाओगे? मुखिया को, सरपंच को। या शहर में रह रहे हो, तुम्हारे आसपास गंदगी है, कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर उड़ रहे हैं इधर उधर, तो किसको पकड़ोगे? मेयर को, है ना, या अपने वार्ड सदस्य को पकड़ोगे? तो लोकल मुद्दों के लिए लोकल गवर्नमेंट हो गई, उससे बड़े मुद्दों के लिए स्टेट गवर्नमेंट, और पूरे देश के मुद्दों के लिए कौन सी गवर्नमेंट बनाई गई है? सेंट्रल। तो पावर तो शेयर है ना, पावर शेयर है, तभी तो राज्य को पता है कि पुलिस को हमको देखना है, और सेंट्रल को पता है कि आर्मी को हमको देखना है ना, समझ में आ गया? तो पावर बटा हुआ है, और इसका जिक्र संविधान में भी है, तुम लोग पढ़े होगे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, अगले चैप्टर में है फेडरलिज्म में, इसको डिटेल में पढ़ाएंगे अभी। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट में इसको याद रखना है इसमें, कि इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहा जाता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ये लाइन है ना, सबसे नीचे कौन सी गवर्नमेंट हो गई? लोकल। इसके ऊपर स्टेट, इसके ऊपर सेंट्रल, है ना, यानी एक गवर्नमेंट दूसरे से क्या है? बड़ा या छोटा है। तीसरा में इसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहा जाता है। और अभी हमने तुमको बता दिया कि फेडरल क्या होता है। तो फेडरलिज्म इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी टू स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, या सेंट्रल अथॉरिटी टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी जब देश की केंद्र सरकार अपने और भी जो लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, उनके साथ पावर को शेयर करती है, उसी को क्या कहा जाता है? फेडरल, है ना, हमने बता भी दिया तुमको। अब आगे चलो, तीसरा, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसमें तुम लोगों को दो पॉइंट्स याद रखना है। पहला, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, और लास्ट वीडियो में हम तुम लोगों को कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में बताए थे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग से बनाया गया बेल्जियम में। किस लिए बनाया गया? वहां का कल्चर, वहां का लैंग्वेज, वहां का एजुकेशन का ख्याल रखना। बेल्जियम में तीन भाषा बोलने वाले लोग थे, डच, फ्रेंच और जर्मन, और तीनों भाषा के लोग अच्छे से अपने भाषा को बचा के रखे रहे, उनके भाषा को भी महत्व मिले, सबका भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड कोई इशू ना हो, इसके लिए उन्होंने एक सरकार बना दिया। सोचो, पावर को शेयर किया किसके बीच में? सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप क्या होता है? सोसाइटी में जो अलग अलग एथनिक कंपोजिशन वाले लोग होते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, जैसे हमारे देश में रिलीजियस कंपोजिशन ज्यादा है ना, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक कंपोजिशन भी है। बेल्जियम में भी था, डच थे, फ्रेंच थे, जर्मन थे, ये सब कौन थे? सोशल ग्रुप्स। और इन सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बना दिया? कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना, वहां के लोगों का एजुकेशन का ख्याल रखना, भाषा का, कल्चर भी बचा रहे, जो उनका पर्व त्योहार फेस्टिवल, उनका जीवन जीने का जो ढंग है, शैली है, वो भी बचा रहे, इसका भी ख्याल किसने रखा? बेल्जियम में, है ना। यानी पावर को शेयर किया गया, कहां पर किया गया? बेल्जियम में। तो हम लोग भी पीछे नहीं है ना, इंडिया भी क्यों पीछे रहे? हमारे देश ने भी पावर शेयर किया है अपने देश के सोशल ग्रुप्स के साथ, और उसको क्या कहते हैं? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखो, हमारे देश में लोकसभा में टोटल 545 सीट्स हैं, तुम लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, जिसमें से कि 543 पे इलेक्शन होते हैं ना, उन 545 जो सीट्स है ना, उसमें से कुछ सीट्स हमारे देश में एसटी और एससी के लिए रिजर्व है,
यानी उन सीटों पे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सोशल ग्रुप्स के लोग यानी एसटी एससी लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, बाकी कोई नहीं लड़ सकता। यानी हमारे देश ने तो रिजर्व कर दिया है कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब यह होता है जहां पर चुनाव होता है क्षेत्र के आधार पर, और उस चुनाव क्षेत्र को हमने क्या कर दिया है रिजर्व, किसके लिए, सोशल ग्रुप के लिए। और क्या चाहिए, पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल, समझ में आया। यानी गवर्नमेंट पावर शेयर किया एसटी एससी को रिजर्वेशन देके, उनके साथ क्या किया भारत सरकार ने, पावर को शेयर, समझ में आया। तो हमारे देश में या पूरे दुनिया में सोशल ग्रुप्स के बीच में भी क्या किया जाता है, पावर को शेयर। हमारे देश में एक और एग्जांपल है, तुम लोग पढ़े होगे सिविक्स, तो उसमें तुम लोग को पता होगा कि जो फंडामेंटल राइट भी दिया गया है खास करके माइनॉरिटीज के बारे में, है ना, कि उनको अपने भाषा को बचाने का, अपने कल्चर को बचाने के लिए माइनॉरिटीज अलग अलग इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकती हैं, जिसका एग्जांपल मुस्लिम्स जो मदरसा सेटअप करते हैं, है ना, वो इसी का एग्जांपल है कि गवर्नमेंट सोशल ग्रुप्स के साथ क्या कर रही है, पावर को शेयर। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को स्पेशल प्रिविलेज है ना, वो किस लिए है, किस बेसिस पे, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है सोशल ग्रुप के साथ, पावर को शेयर। समझ में आ गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलो, पॉलिटिकल पार्टीज, चलो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वाला शेयर कैसे करेगी पावर। भाई देखो इसमें याद रखना कोलिजन गवर्नमेंट, ठीक है, ध्यान देना ये क्या होता है। मान लो कोई एक पार्टी है, हमारे झारखंड का कहानी लेते हैं, चूंकि हम लोग झारखंड से हैं तो झारखंड की कहानी देखो। झारखंड में टोटल विधानसभा में 81 सीट्स हैं। मान लो कि कोई एक पार्टी हमेशा पिछले कई बार से 50 से ज्यादा सीट्स ले आ रही है, ठीक है ना, तो क्या वो किसी और पार्टी को कोई महत्व देगी, नहीं, वो पार्टी एकदम एटीट्यूड में रहेगी, अहंकार में छूट जाएगी, भागो, कोई नेता मिलने भी जाएगा कहेगा कौन है जी तुम, हमको पहचान रहे, हम इस राज्य के 25 साल से हम सीएम है ना। लेकिन सिचुएशन चेंज हुआ, अभी फेडरलिज्म पढ़ोगे तो पता चलेगा सेंटर और स्टेट का रिलेशन क्या था, बताएंगे, लेकिन अभी एग्जांपल दे रहे हैं कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है। 81 सीट्स हैं जिसमें से मान के चलो बीजेपी ने ले आया 40 और कांग्रेस ने भी ले आया 40, कांग्रेस प्लस जेएमएम की यहां पर चलती है भागीदारी, बीजेपी ने भी कितना ला दिया 40 और जेएमएम ने भी कितना ला दिया 40। अब मान लो बचा एक सीट, 40-40 कितना होता है 80। अब एक सीट तुम्हारे रोहित सर जीत गए, चलो आज हम खुद को जिता देते हैं, अब एक सीट हम जीत गए, हम विधायक में खड़ा हुए निर्दलीय और हम जीत गए, बीजेपी भी 40 है और कांग्रेस भी 40 है, दोनों हमको अप्रोच करेंगे ना, हम कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे नहीं, हम टीचर हैं, इधर कांग्रेस को बिठाएंगे और इधर किसको बिठाएंगे, बीजेपी को, मतलब आप बोलिए क्या करिएगा मेरे लिए, ये बोलेंगे कि जो पार्टी हमको मुख्यमंत्री बनाएगी हम उसको सपोर्ट करेंगे, दोनों हाथ उठाएंगे क्योंकि सरकार चाहिए ना, समझ में आया, दोनों हाथ, अरे हम बनाएंगे तो हम बनाएंगे, कुछ भी मांग, हम कोई भी पावर शेयर करा सकते हैं उनके साथ, है ना। तो जब पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में पावर शेयर होता है, इसी को क्या कहते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट, है ना। कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब ही होता है जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं, उसको क्या कहते हैं, कोलिजन। मान लो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया, 272 प्लस नहीं आ पाया, मान लो बीजेपी को आया 200, बाकी कांग्रेस को भी आ गया 200, बाकी अलग अलग पार्टियां हैं, कोई पार्टी है ये मान लो एनसीपी है या एआईडीएमके है, तृणमूल कांग्रेस है, अलग अलग पार्टियां, अकाली दल है, सबको वोट, आम आदमी पार्टी है, वोट मिला हुआ है। अब ये सब पार्टियां उनके पास जाएंगी क्या लेने के लिए, सपोर्ट, और जो पार्टी मिल करके सरकार बनाती है उसको क्या कहते हैं, कोलिशन। और जितने भी उसके पार्टनर्स मिल के सरकार बनाएंगे, पार्टी को क्या करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट होगी उनके साथ क्या करना पड़ेगा, पावर को शेयर करना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर पावर शेयर नहीं करेंगे वो वहां से हट गए, सरकार क्या होगी, गिर जाएगी। समझ में आया, बहुमत में रहने के लिए हमेशा उनका बात को क्या करना पड़ेगा, उनकी बातों को मानना पड़ेगा, किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है ना। तो पावर शेयर हो रहा है यहां बढ़िया से, अच्छे तरीके से, समझ में आया, बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी समझ में आ गया। अब चलो लास्ट चलते हैं, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर ग्रुप्स। मान लो ये कुछ लोग हैं, है ना, कुछ लोग हैं, सारे एक ही पेशा से हैं, एग्जांपल साल चलो मान लो सारे डॉक्टर्स हैं, है ना, सारे लोग डॉक्टर्स हैं, और ये डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, जेड प्लस सिक्योरिटी दिया जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा भाई डॉक्टर्स भी दिन रात खटते हैं, और कोविड टाइम में तुम लोगों को पता होगा कि डॉक्टर्स ने बढ़ चढ़ के अपना जितना उनका क्षमता था, कैपेसिटी था, उससे बढ़ के सहयोग किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है उनके ऊपर अटैक हो जाता है,
गलती से भी लोग मारे जाते हैं, तो कुछ लोग डॉक्टर्स के यहाँ जाकर के हॉस्पिटल्स में अटैक कर देते हैं। तो इन लोग गवर्नमेंट से क्या मांग कर रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं? जेड प्लस सुरक्षा किसके लिए? डॉक्टर्स के लिए। तो अब गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हॉस्पिटल बंद है करीब 10 दिन से 20 दिन से, पूरा देश में त्राही मम मचा हुआ है क्योंकि डॉक्टर्स हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं। और हॉस्पिटल वो कब जाएंगे जब सरकार उनकी बात को मानेगी? और सरकार से उनकी डिमांड क्या है, उनको क्या चाहिए? जेड प्लस सुरक्षा, है ना। गवर्नमेंट को उनकी बात मानना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया उनके साथ? पावर को शेयर, लेकिन कुछ ही लोगों के साथ ना। ये जो पावर शेयर किया, इससे देश भर के कौन लाभान्वित होंगे? डॉक्टर्स। समझ में आया? तो प्रेशर ग्रुप वो ग्रुप होता है कि कुछ लोग एक्टिवली ऑर्गेनाइज होते हैं अपने कॉमन इंटरेस्ट को लेकर के, या कह सकते हो अपने कॉमन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। यानी हमारे कुछ लोगों का वो इंटरेस्ट है, हम उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे, प्रमोट भी करेंगे। इसके लिए अगर गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाते हैं और गवर्नमेंट उनकी बात मानती है, तो गवर्नमेंट उनके साथ क्या कर रही है? क्या कर रही है? पावर को शेयर। समझ में आ गया प्रेशर ग्रुप अच्छे से? एक एग्जाम्पल और ले लो। मान लो किसी शहर में ब्रिज बनवाने के लिए अगर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ना, लोकल गवर्नमेंट के पास या राज्य सरकार के पास, गवर्नमेंट उनकी बात मान जाती है, तो उस शहर के लोग प्रभावित होंगे ना। तो छोटे मुद्दे यानी कुछ कॉमन, कुछ लोग अपने कॉमन इंटरेस्ट यानी एक मकसद के साथ ऑर्गेनाइज होते हैं, इकट्ठा होते हैं और सरकार पे प्रेशर बनाते हैं अपने बात को मनवाने के लिए, उसको क्या कहते हैं? प्रेशर ग्रुप, ठीक है ना। अब लास्ट है, इसको क्या कहते हैं? मूवमेंट। देखो भैया, इसका नाम है मूवमेंट, यानी सीधा हम कहते हैं इसको आंदोलन। तो मूवमेंट जब भी होता है ना, सोशल इशू के लिए होता है, यानी कोई भी सोशल इशू। जैसे मान लो अभी मूवमेंट का मतलब क्या होता है, वैसे मुद्दे जिसके जिसके चलते पूरे समाज का भला, यानी सोशल इशू को जब डिस्कस किया जाता है या गवर्नमेंट के पास प्रेशर बनाया जाता है सोशल इशू के लिए, बात मनवाने के लिए। एग्जाम्पल से हम शुरू करेंगे अन्ना हजारे जी का। कुछ सालों पहले अन्ना हजारे जी दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठ करके सरकार से ये मांग कर रहे थे कि करप्शन के खिलाफ कानून बने, है ना। और जब करप्शन के खिलाफ कानून बन जाएगा, यानी उनकी मांगों को, उनकी बातों को गवर्नमेंट अगर मान लेगी, तो क्या उससे सिर्फ एक इंसान का भला होगा? क्या पूरे समाज का भला होगा, पूरे देश का भला होगा। तो जब पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जब आवाज उठाया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इसका एक और एग्जाम्पल देख लो, नर्मदा बचाओ आंदोलन। यानी नर्मदा पे बहुत सारे डैम्स बन गए हैं, ऐसा लग रहा है खतरा कि नर्मदा एक दिन विलुप्त हो जाएगी, ना, मां नर्मदा वहां कहा जाता है। तो अगर मान लो कि उस पे जो, उसको बचाने के लिए अगर लोग मूवमेंट चलाएंगे या गवर्नमेंट से प्रेशर क्रिएट करेंगे कि इसको बचाया जाए, ठीक है ना, और गवर्नमेंट उनकी बात सुनेगी, तो उसको क्या कहा जाएगा? मूवमेंट, है ना। पोल्यूशन बहुत फैल जाता है दिल्ली में, तो पोल्यूशन से बचने के लिए लोग आवाज उठाएंगे, गवर्नमेंट को कुछ ऐसा डिसीजन लेने पर बाध्य कर देंगे जिससे पूरे समाज का भला हो। तो वैसे मांग, वैसे डिमांड्स जिसके चलते पूरे समाज का भला होता है, या सोशल इशू को लेकर के अगर गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट किया जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मूवमेंट, ठीक है। आई होप कि पूरा का पूरा चैप्टर तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग वाला, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और हम ट्राई कर रहे हैं कि वीडियोज और डालते रहे रेगुलर, लेकिन देखते हैं, डालने का प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच।